एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जब से नाम चर्चा में आया तब से ही सभी की निगाहें इन पर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज वो नामांकन दाखिल करने वाली है और बीजेपी जो उसका अंदाज है इस नामांकन को भी भव्य करने वाली है क्योंकि इस नामांकन में राज्यसभा के महासचिव के सामने वो दाखिल करेंगे अपना नामांकन। राष्ट्रपति का नामांकन संसद के दोनों सदनों के महासचिव के सामने होता है। ये प्रक्रिया है रोटेशन में चलती है, यानी कि एक बार राष्ट्रपति का नॉमिनेशन लोकसभा के महासचिव के सामने होता है तो दूसरी बार राज्यसभा के महासचिव के सामने। पिछली बार रामनाथ कोविंद का नामांकन लोकसभा के महासचिव के सामने हुआ था और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमने शुरू में ही जिक्र किया इसे भव्य बनाने की कोशिश। देखिए जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का एक आदिवासी राष्ट्रपति का जिक्र होता है, प्रत्याशी बनाना कहा गया जो लोग साथ में नहीं है, यानी कि जिन नंबर्स का जिक्र होता है, इसकी प्रक्रिया भी आपको बताएंगे। जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो कैसे राज्यसभा के सांसद लोकसभा के सांसद इनके वोटों की क्या वैल्यू होती है, वोट वैल्यू होती है बकायदा, और एमएलए के वोट की अलग वैल्यू होती है और वो कैसे निकाली जाती है स्टेट और स्टेट में वहां की आबादी क्या है उस लिहाज से ये पूरा गणित है। यानी कि कोशिश ये हुई कि जहां पर भी थोड़े से नंबर्स कम होंगे वहां पर बैलेंस बनाया जाए और ऐसा कैंडिडेट दिया जाए कि कोई विरोध ही ना कर पाए। जैसे मिसाल के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र कर लेते हैं, कोई विकल्प ही नहीं बचा विरोध करने का। ऐसे कई मास्टर स्ट्रोक हैं इसके अंदर, वो आपको बताएंगे। तो ये नॉमिनेशन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कल से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, वो हरियाणा भवन से निकल भी चुके हैं। प्रधानमंत्री अगर खुद मौजूद है, गृह मंत्री खुद मौजूद है, रक्षा मंत्री खुद मौजूद है, तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। एक तो महिला राष्ट्रपति, दूसरा आदिवासी, अपने आप में भारतीय राजनीति में सबसे दिलचस्प। ये आज की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आप देख भी रहे हैं नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसे भव्य बनाने की कोशिश लगातार बीजेपी, और ये उनका हक भी है जिस तरह से वो हमेशा से करते आए हैं।